देखिए आज हम आपको किस तरह से अभावग्रस्त प्राणी जीता है उसकी एक तस्वीर दिखाएंगे। हम आ रहे थे और ये लोग रास्ते में मिल गए, फिर हम लाइट जला करके वीडियो कर रहे हैं। या साइकिल है, साइकिल पर आगे एक बच्चे को बैठाए हैं, पीछे के बच्चे को हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आकर के इधर दिखा दीजिए, एक बच्ची है जो पीछे बैठी है और फावड़े पर बैठी है, या फावड़ा है, इस फावड़े को कैरियर में लगा दिया गया है और इस पर बैठी है। क्या नाम है तुम्हार इनका? सिमल। हैं सिमल। अरे वैसे मत करा, लग गई। अच्छा ये देखिए फावड़ा, ये लोग भट्ठे पर से आ रहे हैं और भट्ठा यहाँ से इनका कम से कम 20 किलोमीटर दूर होगा, क्यों 20-25 किलोमीटर दूर होगा। तो भट्ठे पर कितने दिन से गए थे जी? ऐसा कि गए थे हम 20-25 दिन के दिन के में। अच्छा 20-25 दिन। तो अब आ रहे हैं, लौट रहे हैं। तो यह मुर्गा भी लिए हैं, ये कटेगा। कितना में लिए हैं? लिए 120-140 में। तो कहो इतना इतना पैसा में तो खा ले लो, तालो और कुल मल भैया क्या करो, पेट जेवन करा दे। अरे पेट का, पेट तो पनीरों से पनीर ले लेता और ये सूरन के सब्जी बन जात। मुर्गा जरूर जो पाएगा तो ही खाएगा ना। मर्दा 140 रुपया बहुत ना, मत मारे मिल जाए मतलब सब्जी। मतलब कितना मांगा रहे तो खाओ ना। वो नहीं खाएगी चाहिए, खाएगी चाहिए। तो क्यों इतना ता लगा? अच्छा मेहमान जैसे क्या है हमारा। अच्छा मेहमान आए हैं, मेहमान आए हैं तो इसलिए मुर्गा ले जा रहे हैं। तो ये सब तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना? नहीं सर अभी नहीं, अभी लड़का है, छोटा है अभी। अभी भी नहीं पढ़ते हैं? पढ़ता है। अच्छा पढ़ाला तू हो? नहीं ना बाकी ऐसे में ना पढ़ा दुकानदारी। अच्छा ये तो हर मलिकार हूँ। हाँ मिलकर मलकार हैं। अच्छा कई लड़का लड़की हूँ तो हमारा। हाँ दो हैं लड़का, दो झुक गए। दो झुक गए हूँ, अब आगे ना करे के है। कहो ठीक बात है ना, आगे ना करे के। आई क्या हुआ? अच्छा ससुर जी हुआ तो मेरे अतू का बाप है। आए हमारा मलकिन का बाप है। अच्छा मलकिन का बाप हुआ तो अब तो तुम लोग घरे आई गल बड़ा। चला ठीक है, लेकिन अब है तो बड़ा दिक्कत बाहो, रात के तुम लोग इतना दूर से पैदल पैदल अड़ा तो हम लोग क्या करे सर। हम लोग बजे रात कह गए तो। अच्छा ये कहते हैं कि इनके समझावे लू ना तू तनी मनी और लगावो ना जो रतिया वाला। नहीं सर हम ऊन नहीं लगाते हैं। हाँ भले या तू का पान उन खाला, का खाला बीड़ी उड़ी पिया ला या पुकार सुकार खा लेते हैं। पुकार सुकार खा लेते हैं। का नाम बा अपन? मोहित। मोहित चला तो ठीक बात। देखिए यह है शौचालय बनल है? हमारा शौचालय नहीं बना, हमारे बाप महतारी का भाई का बन गया हमारा। अच्छा कुछ भी नहीं है घर बनल है कि ना? कुछ नहीं है। तो बाप महतारी का बनल है ना? हाँ बाप महतारी का बनल है हमारा बाप महतारी। तो अच्छा ये बताओ तो हम लोग खेत में जालू कि शौचालय में जालू? लोग खेत में ही सब जाला। चलिए एक तस्वीर है देखिए, मुर्गा हाथ में है और एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जा, एक तरफ हो जा। मुर्गा हाथ में है, फावड़े पर एक छोटी बिटिया बैठी हुई है। यही जीवन है और गाँव की जो गरीबी है, जिम्मेदार शासन प्रशासन भी है, जिम्मेदार हम लोग भी हैं और इसके लिए जिम्मेदार यह लोग भी हैं, यह लोग कम नहीं हैं। क्या नाम बतवार? निरंजन। निरंजन हमके चिन्हत हुआ? चिन्हत ना है, कुल चिंता नहीं। अच्छा यही गांव में घर है? ये मड़ई है। अच्छा तो हूँ के आवास वास ना मिलल है? ना साहब एक लाइटिन मिलल है, चल के देख ले तो मन मार दे मुक्का से तो गिर गई वो मन हिसाब कर मुश्किल। मतलब एक शौचालय मिला है उसको ऐसे भी मार देने पर गिर जाएगा। निरंजन जी, निरंजन भी आ गए हैं देख करके। और उसमें क्या लिए हो? पॉलीथीन में मीठ हुआ? हाँ मीठ है। मीठ है का चीज़ का है? इसी चीज़ का है। अच्छा मुर्गा का ही मीठ है। चलिए भैया नमस्कार, सबका जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आई बोरवा में का है? बर्तन बर्तन चला ले जा भैया, बहुत लेट भल अब चला। चला दिखाई देखिए साहब फावड़े पर। धन्यवाद धन्यवाद, शुभकामना शुभकामना। देखिए अभी है, अब किसको क्या कहा जाए निरंजन। अब इस एक एक 150 रुपया के मुर्गा में कितना सब्जी मिल जात ना जी। तीन दिन सब्जी खेतन लोग, चार दिन समय सब्जी सब। तो ये लोग वनवासी लोग विश्व धरत ना हुआ? वनवासी लोग के साहब मिल गए कॉलोनी। अच्छा अपने ना मिला ला? अपना तो साहब ही हमारे ही है। कौनी कौनी में तू आ वाला? ये हम चमार। अच्छा हाँ ना मिलल ना? ना प्रधान के रहले करी पहले? वनवासी रहले। वनवासी रहले, हम कुछ कही ना, लेकिन दूसरी हाथ में खेल ले हुई है। हाँ दूसरे के चलौले हुई उनके जी। ऐसे में तो बाबू साहब भल है ना? हाँ ऐसे में। अच्छा तो
तो तुहार आवास ना मिलल, शौचालय मार देवा गिर जाये। और राशन कार्ड कौन है? राशन कार्ड साहब चावल वावल तो मिलते हो? ये मिलते हो? तो इस समय खेती होती क्या चीज़ के किले बा? इस समय खेती तो साहब कुछ पता भइल बा फिलहाल। अब वह चली चरान तो मन चितल बा और खेती चल। कुछ गाय भैंस रख ले बा? बकरी बकरी कहा? दूठी भैंसी लगे ले जी। ओकर दूध बेचला? जी हाँ बेच के। कितना का भाव दूध बेचला? बीस जला 35 रुपया। 35 रुपया ना जी। तो कहो आका रुपया खिया वाला भैंसिया के? अब का करी साहब, वो के ना खिया तो वो के। भैया घर वा तोर? जी भैया घर वा देख ले। आइए भैया निरंजन के घर भी देख लेते हैं। और ईंटा के कर गिरल है? दूसरे के ईंटा कौन हो घर वा तोर? चल ये जग से देख लेते हैं। जहाँ का होता है दरावल गल है? अच्छा मशीन से? अच्छा ट्रैक्टर से धान की कुटाई हुई है? इसमें चावल है कि कन है? कन है। कुल ढोआ गल? ई के है? अच्छा मलकिन है। कै गो लैका लैकी हुआ? अच्छा कै साल के हुआ? साहब तो साल कल के 30 साल के लपेट में है। पेंशन मिले ले? जी पेंशन मिले ले समझ कर पेंशन भी। अच्छा मिली तो मिले थे तो मिली। और विकलांग हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियर किए हैं। अच्छा RTI किए हैं। हाँ सब करके मऊ में हैं इस समय। मऊ में हैं जी। कुछ कर रहे? तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं? वाह बहुत बढ़िया निरंजन भैया। चार लड़कियाँ? बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा। दो लड़की का शादी कर रहे हैं साहब। रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं जी। टाली वाला कि हऊ वाला? जी नहीं पैर वाला। मतलब जैसे लोगों के बैठावे वाला कि टाली वाला? लोगों के बैठा के पैर चलाते हैं। तो यहाँ कहाँ रिक्शा चला वाला? बनारस चलाते हैं लॉकडाउन में तो वही जन छोड़ल बस। हाँ देखिए चलाते हैं रिक्शा बनारस में, लॉकडाउन की वजह से आ गए हैं घर। अब रिक्शा नहीं चला पा रहे हैं, लोग निकल नहीं रहे हैं और डर है कि कोरोना ना हो जाए। मास्क कहाँ लगा वाला? जी हाँ ये चावल डराने लगे थे इसको। अच्छा लेकिन एक धोए के है और दूसर कपड़ा का मास्क बनवाला? अच्छा बनावा जाने लो कि ना हो? सी दिया है गो सुई डोरा से, मोटकी मोटकी सुई से ही सी दिया। का दिक्कत है? तो लैका तब मल्ला कुछ करत माना तैयारी वारी करत हो ना? हाँ शायद तैयारियाँ ना करत माना। कितना दिन से ठोकरिया? दो लड़की तो शादी की नहीं था, दो लड़की है। अच्छा दो लड़कियों की शादी कर लिए हैं? दो लड़कियाँ हैं अभी तो। घर नहीं बना? दरखास्त दिए हैं कभी? दरखास्त दे के क्या कभी बन? नहीं दरखास्त देना है, अप्लीकेशन देना है। ठीक है तो दोस्तों यह सुजनीपुर गाँव है और हम आ रहे थे ऐसे ही तो नज़र पड़ गई इन लोगों की। निरंजन भाई हमारे पास आ गए। ये कुतिया केकर ही है? खुला है छुट्टा है इतने? अच्छा तो दोस्तों विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। रास्ता चलते ऐसे कुछ मिल जाता है ऐसे दिखा देता हूँ। आदमियों से हमसे मुलाकात बनारस स्टैंड पर होती है। हाँ खाना का निर्माण मिलता है जब खाना रोटी आती है ऐसे आप जैसे भाषा देते रहे वैसे भाषा दे करते। लेकिन निरंजन भैया प्रधानी नई बदल ली है अब कहे की है? ठीक है आवास मिली, आवास के पात्र हुआ तुम के? क्या मिली आवास? ऐसा ऐसा लोगों के मिलल है जेकर घर पहले से है? कहो बतावा तुम गाँव में तो ऐसा लोगों के मिलल हो जेकर घर पहले से है तो तोहके काहे ना मिली? ठीक है नहीं के नाम से मिली आवास? क्या नाम है तो आर? लाली नाम है। लाली नाम है तो तू अब दरखास्त दिया ठीक ना? हाँ हाई कुल शुरू होला तो एप्लीकेशन दिया आवास मिली, आवास के पात्र हुआ तुम लोग। तो दोस्तों विनम्रता के साथ नमस्कार। मैं आज ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, फिर इनकी मॉनिटरिंग भी करूँगा, देखूँगा भी, क्योंकि इस समय तो कोई एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है। तहसील दिवस और सारा कुछ बंद है और अभी ग्राम पंचायत के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनका शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। नमस्कार, सादर धन्यवाद।